हेलो एवरीवन। तो ये हो रही है रात। हम लोग पूल वगैरह से नहा कर आने के बाद थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया सब लोगों ने, और उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो रात में बोनफायर कराई। आप लोग मेरी आवाज़ देख सकते हैं, इतना ज़्यादा बोलना चालना हुआ है कि मेरा गला भी ख़राब हो गया है। और मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। रात में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की। और बोनफायर का तो यहाँ पर अपना ही एक मज़ा है, क्योंकि शाम में ना वेदर चेंज हो जाता है, मतलब काफ़ी ठंड हो जाती है। दोपहर में काफ़ी गर्मी रहती है, तब पूल वगैरह का मज़ा लो, और शाम में जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो अपना आराम से बोनफायर कराओ, खूब डांस करो। मतलब बहुत अच्छा रिसोर्ट है, बहुत अच्छी जगह है, आप लोग बिल्कुल यहाँ पर आइएगा। तो ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और आप देख सकते हैं कितना फोग है। और हम लोगों का जो कमरा था, रूम जो हमें मिला था, वो काफ़ी ऊपर मिला था, तो हम लोगों ने सबको वहीं पे बुला लिया, और यहीं पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी। और उसके बाद जाएंगे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। बहुत ही अच्छा मौसम, सुबह सुबह का, मतलब तीनों टाइम का मौसम ना बहुत ही अलग है। सुबह में बहुत ज़्यादा फोगी फोगी होता है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। चलो, ओ माय गॉड कितनी भीड़ है। चलो उधर बैठ जाएंगे, जगह तो होगी कहीं ना कहीं। शिल्पी इधर है बेटा, जगह सुनेंगे। हेलो एवरीवन, तो एंजॉय किया जा रहा है, अभी पूल में नहाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हम लोगों ने, और उसके बाद ना यहाँ पे आंखें भी नहीं खुल रही पता। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया, और उसके बाद अब हम लोग पूल में नहाने की तैयारी करेंगे अभी थोड़े दिन में। ओह
बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके ना रिलैक्स, बट भीड़ बहुत है यहाँ का भी, पूरा रिसोर्ट बिल्कुल बुक, कोई ऐसा नहीं कि कुछ खाली हो, सारे रूम बिल्कुल बुक हो। हम लोग इंजॉय कर रहे हैं पूल, और सभी लोग अभी सब पूल में, अभी मैं भी जाने वाली हूँ इन लोगों के साथ में ना, अभी पूल में मजे लेंगे। और पता इतना इतना ठंडा पानी है, पता नहीं कैसे ये लोग इसके अंदर है, लेकिन थोड़ी देर ठंडा लगता है, उसके बाद भी बहुत अच्छा लगने लगता है। तो अभी जाते हैं पूल के मजे लेते हैं, अभी ब्रेकफास्ट किया था अभी थोड़ी देर पहले, और उसके बाद अब जा रहे हैं पूल में, क्योंकि आज हम ना पूरा दिन यहाँ पर स्टे करेंगे, कहीं घूमने नहीं जाना है, ओनली फॉर यहीं रहना है। तो सब कुछ ना बहुत बढ़िया है यहाँ पर। यस, गए अभी कपड़े चेंज करने के लिए, और मैं भी अभी चेंज करती हूँ, उसके बाद जाएंगे। हेलो एवरीवन, तो हम लोग पूल में आ गए हैं, और अब हम लोग खूब दबके ना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे वगैरह सब लोग, देखो आप लोग देख सकते हो। आ गया तो हम लोग ले रहे हैं फुल मौज, क्यों पापा? फुल मौज मस्ती का टाइम है इस टाइम, अगर धूप निकल जाती है ना तो ठंड कम लगती है, अब धूप निकल गई ना तो ठंड कम लगेगी, जब मौसम वैसा हो जाता है ना तो बहुत ठंड लगती है। यश जो है वो अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? बड़ा मजा आ रहा है। कैसा टाइम? अरे पानी ना करो, ये देखो ये बाल भिगो लो, आप फोटो लेते हैं, तो अभी हम लोग लेते हैं फोटो। कैसा लग रहा है दीदी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखो ये हमारे पूल के पीछे का बैकग्राउंड, नहीं नहीं पानी नहीं पानी नहीं पानी नहीं पानी, ओह माय गॉड, खुशी इधर है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रॉपर्टी है ना बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है, और हम लोग यहाँ पर तीसरी बार आए थे, दो बार पहले भी हम लोग आ चुके हैं, और इस बार हम लोग न्यू फैमिली के साथ आए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय किया। सबसे मेन जो पार्ट है ना इसका वो है पूल एरिया। क्या होता है दोपहर में ना काफ़ी गर्मी हो जाती है यहाँ पर, तो पानी ठंडा तो है बट क्योंकि काफ़ी गर्मी टाइप का वेदर हो जाता है, तो पानी में जब हम चले जाते हैं तो उसके बाद हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, फुल मस्ती की जेंट्स लोगों ने भी, लेडीज़ लोगों ने भी, और बच्चों ने भी। तो
तो ऐसी जगह जब हम जाते हैं जहाँ पर सब लोग मस्ती करें तो वो तो एक्सपीरियंस ही अलग होता है। तो ये जो हमारा क्वारंटीन का टाइम था जो हमने 2-3 महीने काटे थे घर पर, उसके बाद जो ये इन्जॉयमेंट हुई है इसका तो लाजवाब। गाइस यहाँ पे टी टाइम चल रहा है, इधर चाय है, अभी बिस्किट सांडी के पास है, यहाँ पे पूरा टी टाइम चल रहा है, सब टी पी रहे हैं। और अभी बज रहे हैं 6:30 होने वाले हैं, 6:30 होने वाले हैं ना मम्मी? हाँ 6:30 होने वाले हैं, और हम तो 6:30 होने वाले हैं इस टाइम। और हम लोग ना अभी जा रहे हैं एक एडवेंचर करने के लिए जो कि है बहुत ज़्यादा खतरनाक, टॉप ऑफ द माउंटेन। हाँ तो अभी हम उसके लिए रेडी हुए हैं और मैंने वेयर किया है, दिखाना। मम्मा ने ये भी किया है, सब टाइगर 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 वाला। अच्छी लग रही है बताने। हाँ